तो मैं बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था, मेरा एग्ज़ाम्स आ चुके थे और भी बहुत सारे बातें, एग्ज़ाम मतलब बोर्ड एग्ज़ाम नहीं, बहुत सारे प्राइवेट ट्यूटर का एग्ज़ाम, तो आज नहीं पिछले 26 जनवरी को, जैसे कि आप लोग जानते हैं 4G लॉन्च हो चुका है, मैंने डाउनलोड कर लिया, तो आज हम खेलने वाले हैं 4G। मुझे थोड़ा ज़ुकाम है तो मेरा वॉइस भी थोड़ा अजीब सा सुनाई देगा, प्लीज़ उसे इग्नोर कर लेना। तो ये रहा, एकदम ओरिजिनल ऐप है, मैंने सच में अभी तक ओपन करके नहीं देखा, तो आप और मैं एक साथ ही देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इनकोर गेम्स म्यूजिक अच्छा है पीछे का, एक्सेप्ट मैं नाम बदल लेता हूँ। अल्ट्रा कर देता हूँ, तो म्यूजिक तो ग्राफिक्स अभी तक तो खेल के नहीं देखा, तो अब तक ठीक ही लग रहा है, कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं, और पर मुझे लगा था और भी बुरा होगा, पर फिर भी ठीक ठाक है। ओ ये सब वेपन्स है, पर वेपन्स में गन नहीं है, अजीब बात है। आप कैरेक्टर भी खरीद सकते हैं पर वेपन्स में गन्स नहीं है, देखते हैं। तो दोस्तों और थोड़ा कम कर लेता हूँ, तो पहली बार के लिए लेट्स प्ले कैंपेन डेथ मैच फ्री फॉर ऑल। ओ इसमें गन्स दिख रहे हैं, मतलब शायद इसमें गन्स है, एक कैंपेन में शायद गन नहीं है, मैंने सुना भी था पहले गन नहीं होगा। पंद्रह जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय ओ भाई एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर देखिए वहाँ और भी है। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे, दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कबीर बेस कैंप स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ, रिपीट स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से गिरे पत्थर और चट्टान, और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था, पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोंचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद ढिल्लो रवि, फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे, कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता, ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी भाईचारे और भारत के लिए फौजी। भाई बहुत अच्छा इंट्रो था, मतलब
मैंने आज तक कोई गेम में हिंदी नहीं सुना, और ऐसा एक गेम हिंदी में और वो सिनेमैटिक वे में मुझे काफ़ी पसंद आया। कोई कहाँ है, कोई ओ आ गए। रेस्ट ले आर फायर प्रेस टू रिग्रेट हेल्थ एंड स्टैमिना, समझ गए। भाई अच्छा बनाया है भाई, जो जो भी बोले, मैं थोड़ा मीम्स पढ़ रहा था क्या बना दिया ये हो। भाई तुम लोगों को पता है कितना मुश्किल है एक गेम को बनाना, डेवलप करना, कोडिंग से पूरा एक गेम बनाना कितना मुश्किल है। वो बोलना आसान है, करना मुश्किल। और अगर तुम कर सकते हो तो एक करके दिखाओ डेवलप, उतना आसान नहीं है बोलना। और याद रखना PUBG करीब 2 साल से एक गेम के ऊपर काम कर रहा था और ये एकदम न्यू है, तो PUBG के साथ इसे बिल्कुल कंपेयर मत करो। मुझे औजार भी मिल गया, औजार से मारना थोड़ा आसान है। ओ नो, ओ औजार तो उसके अंदर ही रह गया। यू हैव क्यूट लाल कार। भाई अच्छा है पर मुझे भी पता है बेस्ट नहीं है, पर टाइम के साथ बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी गेम एकदम पहले ही परफेक्ट नहीं होता, वो परफेक्ट टाइम के साथ हो जाएगा। भाई थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि बहुत लोग अभी मुझे एक साथ अटैक कर रहे हैं। भाई स्लो मोशन, भाई इसमें स्लो मोशन तक है, अच्छा है। अभी तक मैं और घुसपैठी है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई हिंदी में बात हो रहा है, बोलो इतना अच्छा कभी तक हुआ है? आज तक जितने गेम्स है सब बाहर डेवलप होते हैं और उसमें हिंदी नहीं होता, और बोलो इसमें एकदम हिंदी में। फिर पानी के अंदर पानी से ही मारूंगा। शायद इनके ऑफिसर्स के पास कोई जवाब होगा। भाई अच्छा है गेम, अब पहले थोड़ा फिर भी अजीब सा लग रहा था, अभी लग रहा है अच्छा है भाई। जैसे कि देख सकते हो कितने अच्छे
वो उसके पास वेपन्स है। भाई हेल्थ डेंजरस है, इसे मारना होगा। तो रिकवर कर लो। ओ ये था, इसके लिए मैं बैठ नहीं पा रहा था भाई, एकदम हेल्थ खत्म हो चुका था। और थोड़ा होता तो मैं, उसके पास वेपन है, फिर उसके वेपन को लेके और को मारना पड़ेगा। और जो बोल रहा हूँ देखने में आसान लग रहा है, पर उतना आसान भी नहीं है। LAC की गलत तरफ एक कैंप। ओ भाई, लेकिन हो सकता है कि लेफ्टिनेंट सिंह का स्क्वाड वहां कैद हो। एक टेंट लालटेन की रोशनी में चमक रहा है, ये तलाश शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। उस छोटे से टेंट की तंग जगह में एक साइड टेबल, एस्ट्रे, एक जलती हुई सिगरेट और कुछ बक्सों के ऊपर गैस वाली लालटेन रखी थी। पर सबसे जरूरी था एक कैदी जो रस्सियों से बंधा हुआ था। रवि, लेफ्टिनेंट सिंह की टुकड़ी का सबसे कम उम्र का जवान, जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसका चेहरा काला और नीला पड़ गया, उसमें शायद थोड़ा होश बाकी था। सर, उन्होंने दूसरों को बंदी बना दिया, रवि ने कहा। रिपोर्ट बाद में फौजी, पहले तुम्हें छुड़ाना होगा। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता फौजी। लेफ्टिनेंट सिंह रवि के पैरों से रस्सी खोलने लगते हैं। देर हो गई सर, पीछे देखिए। एक दुश्मन सिपाही टेंट में आता है और लेफ्टिनेंट सिंह को पीछे से पकड़ लेता है। टेंट में उनके बीच संघर्ष होता है और बक्से गिर जाते हैं। बक्सों पर रखी लालटेन गिरकर टूट जाती है और उससे गैस निकलने की आवाज के साथ हवा में बदबू फैल जाती है। रवि निकलो यहाँ से। लेफ्टिनेंट सिंह रवि को खोलना चाहते हैं पर देखते हैं कि वो बेहोश है। रवि, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेफ्टिनेंट सिंह लड़ रहे थे पर जवान तब तक बुरी तरह बेहोश हो गया था। लेफ्टिनेंट सिंह उस जलते टेंट से बच निकले। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। रवि के ये शब्द लेफ्टिनेंट सिंह के कानों में गूंज रहे थे। भाई सच में इमोशनल कर दिया भाई, अच्छा बना है ये बी रोल को। लोड आउट इज फुल, छोड़ो जो भी। भाई मेरे सरेंडर करना मेरे डिक्शनरी में नहीं है। भाई बच गया थोड़े के लिए। इसे भी ले लेता हूँ। हाँ। कोशिश
और फिर हम सब घर जा सकते हैं। हाँ भाई, घर जा सकते हैं। तो आई गेस आज का वीडियो थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो चुका है, तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, और भी थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपसे फिर से मिलूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। भाई आपका भाई का तबीयत बहुत ही खराब था, फिर भी मैं वीडियो लाने की कोशिश किया। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।